नाजनी ने एक हंसते बसते घर में, खुशियों वाले घर में सफ़े मातम बिछ गया, जिसके छोटे छोटे से बच्चे थे, जिसकी 3 जवान बहनें थी और वो एक भाई था। 6 दरिंदों ने उसे बेरहमी से कत्ल कर दिया, गोलियों से उसके जिस्म को छन्नी कर दिया। कितने लोग थे भाभी? 6 लोग थे। बच्चों को मारने लगे थे। उसका बाप कहता मेरे बच्चों को छोड़ दो, सारे पैर मुझे मार दो। 16 पैर उसने मारे। ये वो सात वालों की छत है जहाँ से वो 6 लोग कूदे, ये जाली को काटे है, यहाँ से सरिया निकाले है और वो सारे के सारे लोग फिर यहाँ से दाखिल हुए। अभी देखो, अभी देखो, अभी हमारे हौसले नहीं है। इधर इधर आ जाए, इधर आ जाए, हमारे हौसले नहीं है। अभी अभी हमारे हौसले नहीं। हमारा एक भाई खून से सना। ए बंटी, वे बंटी तू आया वे, वे ते तू असी बना लंदे। वे बंटी, वे तू साडा इको एक भरा वे आया। अल्लाह ताला आपको हौसला दे, हिम्मत करें। क्या क्या हुआ था, क्या लड़ाई थी? अभी मारा एक ही भाई था, कोई झगड़ा नहीं था, कुछ भी नहीं था। ऊपर से आया, मेरी भाभी को मारा, मेरे भाई को फायर करके चले गए। 16 फायर किए मेरे भाई के ऊपर। हाथों से भाई उसका खून। ये भाई का कमरा है। भाभी को मारा उन्होंने लुटा कर। कितने लोग थे? वो टोटल 5 से 6 लोग थे, हमारे नेबर थे। बस हमारा एक भाई था, ये पूरा घर उसका था। बस बर्दाश्त नहीं हुआ, नहीं बर्दाश्त हुआ। मेरी भाभी का जेवर भी निकाल के ले गए, हमारा सब कुछ ले गए। सब कुछ ले जाते, हमारा भाई बख्श देते। अल्लाह ताला आपको हौसला दे, हिम्मत दे। मेरा पूरा नाजरीन, ये वो कमरा है और भाई उस चारपाई पे लेटे हुए थे। हाँ जी, लाइट नहीं थी आ रही। मेरी भाभी के 4 बच्चे हैं, वो नहीं था तंग करता, कहता था मैं उधर ही सोऊंगा। आए मैगी, मैगी देख ले, ये मेरी भाभी जवान को बेवा कर रही है। नाजरीन, इनके फेस पे निशान है, आप देख सकते हैं। कितने लोग थे भाभी? 6 लोग थे। बच्चों को भी मारे? बच्चों को मारने लगे थे। उसका बाप कहता मेरे बच्चों को छोड़ दो, सारे पैर मुझे मार दो। 16 पैर उसने मारे। मैंने कोई गलत काम नहीं किया था, छत पे फायरिंग करता था, बस एप्लीकेशन दी थी इसके खिलाफ। हमारी छत सेम है, सिर्फ इतनी दीवार है। हमारी छत की टैंकी पे जाके ना फायरिंग करता था, उसने लड़के ट्रेन किए हैं। हम उसको भाई सिर्फ इतना कहता था, मेरी बीवी और बहन जवान है, हमारे बच्चे हैं, तू इधर ना आया कर। बस कंप्लेन की, इतने में उसने उसको मार दिया। उसके 4 छोटे छोटे बच्चे। आप लोगों को पता नहीं लगा जब फायरिंग हुई? नहीं बाजी, उसको पकड़ा हुआ था, उसका मुंह दबाया, उसके निशान देखे कि तूने नहीं जाना नीचे। वो आवाज भी नहीं आई, कुछ नहीं आया। वो बेचारी अब अपने आप को उनको मार के नीचे भाग गया, तो उसने समझा के वो बताने चली गई, उसने फायर किया और वो चले गए। ऊपर दीवारें देखे खून से भरी हुई हैं। अरे रब्बा, जुल्म कर गए। एक भाई? हाँ जी, सिर्फ एक भाई था हमारा। भाभी, उनमें से किसी के खून निकला हुआ था जो पूरा लगा है इधर? ये पता नहीं किसका है, ये मेरे शोहर का खून है सारा। उसको उधर लट्टे को मार गए। नाजरीन, 3 बहनों का एक ही भाई था, इनके घर का सरपरस्त था, कमाने वाला था, छोटे छोटे बच्चे थे। अरे वो रुल गए, हम किसको पापा कहेगी। बंटी आया यार, बंटी आया, क्या बता।
आपको हौसला दें, हिम्मत करें। मैं बड़ी तो साड़ा क्यों नहीं सोचिया, मैं आया बड़ी, मैं तेरे के हाथ जोड़िए, मैं तेरे पैर पड़िए आया, मैं तू बच्चिया ते तरस खा लेंदा, मैं तू बुड्ढी ते तरस खादा, तू पैना ते ना खादा, तू एक बार पैर नू कहता पैर तेरे अगे खलोंदी वे। नाजरीन कैसे वो जालम दरिंदे थे, जालम सिफत इंसान थे कि छह लोगों ने एक शख्स को इतनी बेरहमी से कत्ल किया, उसकी बीवी को भी मारा पीटा और उसके बाद जहां से आए वहीं से फरार हो। उनमें से कुछ गिरफ्तार हो चुके हैं, बाकी जो हैं वो भाग चुके हैं, पुलिस मुलजिमान की तलाश में है। ये वो साथ वालों की छत है जो कि आप कैमरे में स्क्रीन पर देख भी सकते हैं, जहाँ से वो छह लोग कूदे, और ये जो दरवाज़ा है ये दरवाज़ा तब बंद था इस तरीके से। उनमें से एक शख्स यहाँ पर आया है, उसने इस जाली को काटा है, ये आके ये दिखाएं, ये जाली को काटा है, यहाँ से सरिया निकाला है और यहाँ से निकल कर वो अंदर आया है। वो पाँच लोग यहाँ पर खड़े इंतज़ार कर रहे थे, उसने यहाँ से कूदकर जो है वो दरवाज़ा खोले ये वाला, और वो सारे के सारे लोग फिर यहाँ से दाखिल हुए, इस मंजिल से दाखिल हुए। ये ब्लड जो है वो आप सीढ़ियों पे देख सकते हैं, अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके। सेल्फ डिफेंस में कुछ उनमें से किसी को चोट लग गई, जिसके बाद इतना उसके ब्लड निकला कि वो जिस रास्ते से गए हैं वो सारे रास्ते पर ब्लड ही ब्लड है। वो छः लोग यहाँ से नीचे आए हैं, सीढ़ियों पर जो ब्लड है वो अभी तक लगा हुआ है, यहाँ पर भी ब्लड है, आप देख सकते हैं ये नीचे भी कितना ब्लड गिरा हुआ है, कि उनमें से किसी को चोट लगी और वो फिर यहीं से मारने के बाद उसको यहीं से ऊपर भागे, इस फ्लोर से नीचे आए, यहाँ पे भी ब्लड है, यहाँ से वो नीचे आए हैं और ऊपर भी यहीं से गए हैं। वो छह लोग थे अभी तक, जितना पुलिस के मुताबिक, मालूमात के मुताबिक जितना बताया जा रहा है, ये भी ब्लड लगा हुआ है, यहाँ पर देखें कितना ज़्यादा ब्लड लगा हुआ है दीवारों पर। ये माँ जी जो ढे नाल हादसा हो है, वो असी अपने अल्फाज ना भी ओदा ना दुख घट नहीं कर सकते। मैनू दसो कि लड़ाई की सी बाई दे नाल, की वजह की बनी सी? साड़ी ओदे नाल कोई भी लड़ाई नहीं सी, वो सिर्फ अज तो छे महीने ला लो साल ला लो अपनी छत ते ना बहुत ज्यादा फैरन करदा सी, वो फिर साड़ी छत ते भी आ जांदे सी, मुंडे बहुत कट्ठे करदा सी, बाहरों आउंदे सी, पर सानू नहीं सी पसंद हैगा कि इन्नी फायरिंग हो गए, शामों शाम फायरिंग होंगी सी। बस मेरे मुंडे ने एक फोन कर दिता वन कॉल ते कि फायरिंग होंगी है, बस इन्नी की गल है, इन्नी बात है, सानू नहीं पता इन्नी अक्कर रखी हुई उन्हें। उतो रात छत्तां दियां जालियां फाड़ के सुत्या पिया नू उन्हें गोलियां मार दित्तियां ने, 15 गोलियां मूँह ना कहन नू मेरे पुत्र नू मारियां उन्होंने। मां एक ही पुत्र सी? इक्को ही मेरा पुत्र सी, तीन धिया ने गोद। की उम्र सी भाई दी? 30 तो घट हीगा सी, 30 तो घट सी, घट 29 साल उम्र है हाली, 30 नहीं हुई ओदी। मैं ते घर दा की खर्चा वगैरह ओही चलांदे सी? मैं लाडा नहीं रखिया होया सी, मैं असी खुद परचून दी दुकान पाई है, बस गुजारा असी कर रहे सी। हुण कितने खोलनी, किदा दिल करना है, मैं पुत्र नू रोवां कि दुकानां नू रोवां, मैं की करां। हुण तीन बच्चे ओहदे ने, तियां वी इक नू, बस बैठी घर ही, मैं तो बहुत परेशान हाँ इस टाइम बैठी हुई हाँ, कोई समझ नहीं आ रही। लाडला सी? बहुत ही लाडला। आखरी दफा की गल कीती सी ताडे नाल? मेरे नाल कोई भी गल नहीं कीती, राती आया 12:10-15 दरवाजा मेरा खोलिया, चेहरा मेरा वेख के उत्ते चला गया, कोई गल नहीं, कोई गल नहीं की। फिर खून ही ओदा इन्ना जा गया, इन्ना चला गया खून ही, अस्पताल वाले फिर पानी दे कुत्ते तरस रहा सी, पानी दे रो, उन्होंने वो भी पीन नहीं दिता, फिर उत्थे दम तोड़ दिते। मैनूं डाक्टर ने पहले दस्या कि तुहाडा बच्चा नहीं बचना, अंगूठे सैन मेरे ले लै सी। मैं की चाहुंदे हो तुसीं कि मुलजिमान दा की हशर हो? की हशर होवे, साढ़े चाहुंदे मुजरम साढ़े सामने होण, पेश होण, सानूं भी पता लगे मुजरम ने, असीं भी कापना करिए। मेरा तो एक पुत्र है, मैं तो चाहनी कि मेरे सामने हूँ मैं आप मार दवा, हथा ने मार के भाए मैं जेल चली जाव, मैं तो यही चाहनी कि उन्होंने घूम सजा दे सकती है, तो सब तो बेहतर है।
क्योंकि तो दुश्मनी बन गई मेरे घर दे नाल घर है उहदा, उह तो फिर सानू मार जाएगा। हुण उहदा बुढ़ा प्यो है, मेरे को इस टाइम तीन चार कुड़ियां ने जवान ही, असीं हुण राखी रखीए कि असीं दुश्मनियां नूं अपनाईए की करिए असीं। चलो माँ जी, अल्लाह तुहानूं हौसला देन, हिम्मत देन।